नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट टैक्स परचेजेस कंडक्ट करेगी ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या जीएसटी में टैक्स पेयर टैक्स इनवाइसिस को सही से इशू कर रहे हैं। इसके लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि जीएसटी ऑफिसर किसी भी व्यक्ति के प्रिंसिस में जाके वहाँ पे परचेजेस कर सकता है ये चेक करने के लिए क्या टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स इनवाइसिस और बिल ऑफ सप्लाई सही से इशू किए जा रहे हैं। और जैसे ही जीएसटी ऑफिसर इन गुड्स को रिटर्न कर देता है तो टैक्सेबल व्यक्ति को अमाउंट को रिफंड करना होता है जो कि जीएसटी ऑफिसर ने पे किया था। दोस्तों, इसके लिए ये सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जॉइंट कमिश्नर को पावर दी गई थी कि वो इसे ऑथराइज कर सकता है, यानी कि इस प्रकार की परचेजेस को जो कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा की जाती हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में पेनल्टी के लिए भी प्रोविज़न दी गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिना इनवाइस को इशू किए हुए या फिर इनकरेक्ट या फॉल्स इनवाइस इशू करता है तो उस केस में कम से कम 10,000 की जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो टैक्स अमाउंट इवेड किया गया है या TDS एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत वेल किया गया है, इनमें से जो भी फिगर हाई होगी उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, जीएसटी में टैक्स परचेज इस पर लिए की जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या टैक्स पेयर अपने टैक्स इनवाइसिस और बिल ऑफ सप्लाई को सही से इशू कर रहा है इस पर जीएसटी एक्ट, और कहीं ये तो नहीं हो रहा कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो है वो व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो पॉसिबल टैक्स इवेजन होता है उसे रोकने के लिए भी टैक्स परचेजेस की जाती हैं। तो इसके लिए क्या SOP होगी, इसके लिए सर्कुलर में बताया गया है। SOP के अकॉर्डिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस को ऑथराइज़ किया गया है कि वो टैक्स परचेज को कंडक्ट करने से पहले उसे ऑथराइज़ करेगा, यानी कि हर केस में ये परचेजेस करने से पहले जीएसटी ऑफिसर को अप्रूवल लेनी होगी कि वो कितना अमाउंट टैक्स परचेज पे स्पेंड करना चाहता है। और ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस के पास जो है रिपोर्ट होनी चाहिए कि टैक्सेबल व्यक्ति टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर रहा है या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर रहा है। इसके लिए उसके पास बहुत से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ईवे बिल एनालिटिक से वो ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है, या फिर किसी इन्फॉर्मर ने उसे बताया हो, या फिर थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन आई हो, या फिर किसी और सोर्स से जैसे कि कंप्लेंट या किसी ने पटिशन फाइल की हो। तो टैक्स परचेज जो है वो सिर्फ रेयर केसेस में ही की जाएगी, वो भी तब भी जब जीएसटी ऑफिसर के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि व्यक्ति के द्वारा टैक्स की चोरी की जा रही है। जीएसटी ऑफिसर टैक्स परचेजेस कर सके इसके लिए फंड को भी रखा गया है, हर इंटेलिजेंस यूनिट के लिए 50,000 रुपये जो है इसके लिए रखे गए हैं। और ज्वाइंट कमीशन इंटेलिजेंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस फंड को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में जो परचेजेज है उन्हें भी टेस्ट किया जा सकता है ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा। ज्वाइंट कमिश्नर के इंटेलिजेंस के द्वारा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, यानी कि कितनी टेस्ट परचेजेज की गई हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट रखी जाएगी, और ये अमाउंट जो रिटर्न किया गया है उसकी भी डिटेल रखी जाएगी। इसके अलावा कितना कैश डिनोमिनेशन में जो है इशू किया गया था टैक्स परचेज ऑपरेशन के लिए, करेंसी नंबर भी इस रजिस्टर में नोट किए जाएंगे। दोस्तों, कौन से केसेस जो है टैक्स परचेज के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि किन टैक्स पेयर की टैक्स परचेजेस की जाएगी, ऐसे टैक्स पेयर जो कि बिजनेस तो लार्ज वॉल्यूम में कर रहे हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट जो है कैश में पे कर रहे हैं टैक्स का, या फिर जो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड हैं और जिनकी के टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है, इसलिए उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी थी लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ली है, या फिर यदि पब्लिक से कंप्लेंट मिलती है, या फिर व्यक्ति ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ पे कि ज़्यादातर एस्टिमेशन स्लिप इशू की जाती हैं, यानी कि कोटेशन इशू की जाती हैं, जैसे कि सीमेंट, टाइल, ग्रेनाइट, हार्डवेयर, पेंट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आयरन एंड स्टील, टिम्बर, ज्वेलरी, हाउसहोल्ड आर्टिकल, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, FMCG, ग्रोसरी, बेकरी प्रोडक्ट, मेडिकल शॉप्स एक्स्ट्रा। इसके अलावा सभी सर्विस जो कि ऑफर की जाती हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, स्वीट स्टॉल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अम्यूजमेंट पार्क में, या फिर जो पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस है, रेंटल सर्विस है, या फिर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट रिसीव हुई है विद वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि वो टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर रहा जबकि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था,
लेकिन यदि अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल व्यक्ति के अगेंस्ट बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के कंप्लेंट रिसीव हुई है तो उस केस में पहले इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ही टैक्स परचेज की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, टैक्स परचेज करते हुए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ज्वाइंट कमीशन इंटेलिजेंस के द्वारा जो है टीम बनाई जाएगी जो कि होगी, जिसमें कि स्टेट टैक्स ऑफिसर होगा और डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर होगा जो कि टैक्स परचेज को कंडक्ट करेंगे। यानी कि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति की भी टैक्स परचेज कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति की भी, लेकिन अपनी ज्यूरिडिक्शन में ही कर सकते हैं। इस प्रकार वो किसी दूसरी ज्यूरिडिक्शन में जाके टैक्स परचेज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि टैक्स परचेज कंडक्ट की जाती है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जैसे कि हेड ऑफिस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे कि ब्रांचेस पे, तो उस केस में ऑपरेशनल टाइम यूनिफॉर्म होगा, यानी कि सभी प्लेसेस पे एक साथ टैक्स परचेज की जाएगी ताकि इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। इसके अलावा जो टैक्स परचेज की जाएगी वो 200 रुपये से ज़्यादा की होगी, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 200 रुपये से कम का यदि माल बेचा गया है तो उस केस में हो सकता है टैक्स पेयर जो है इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू ना कर रहा हो। और जो टैक्स परचेज की जाएगी उसमें ये नहीं पता लगने दिया जाएगा कि ये जीएसटी ऑफिसर के द्वारा की जा रही है, तो जीएसटी ऑफिसर एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ही बिहेव करेगा। दोस्तों, यदि प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दिया जाता है टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा, तो उस केस में जो अमाउंट स्पेंट किया गया था जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इस टैक्स परचेज करने के लिए, वो अमाउंट रिफंड किया जाएगा टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा, और जो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशू किया गया था उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, कैंसल्ड इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, वो ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा बिल ऑफ सप्लाई यदि या टैक्स इनवॉइस प्रॉपरली इशू नहीं किया जाता है तो उस केस में जो ग्रुप हेड है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, और इसके साथ ही जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी है वो भी स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार जो ये पूरा प्रोसीजर है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ताकि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। टैक्स परचेज करते हुए इंस्पेक्टिव टीम नोट करेगी रेलेवेंट फैक्टर जैसे कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना था, कितनी गुड्स स्टोर की गई थी या फिर अवेलेबल थी प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ताकि वो फर्दर एक्शन ले सके जैसे कि रजिस्ट्रेशन या फिर इंस्पेक्शन से रिलेटेड। यदि टैक्स परचेज के दौरान ये पता लगता है कि अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल व्यक्ति की टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई थी और विद इन द स्टेट गुड सेल कर रहा था, तो उस केस में उसे सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी और इसके लिए रिपोर्ट बना के ज्यूरिडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को भेज दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, एडजुडिकेशन के लिए। इसी प्रकार यदि ये पता चलता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा था, तो उस केस में उससे पूरा अमाउंट जो टैक्स का रिकवर किया जाएगा एडजुडिकेशन के द्वारा। यदि टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा कोई टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई नहीं इशू किया जाता है टैक्स परचेज के दौरान, तो उस केस में ज्वाइंट कमीशन इंटेलिजेंस जो है वो एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 67, और इसके लिए कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस केस में रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में बताया गया है, यानी कि जो टीम होगी वो इसके बारे में ज्वाइंट कमीशन इंटेलिजेंस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ज्वाइंट कमीशन इंटेलिजेंस इसकी डिटेल रिपोर्ट बना के कमिश्नर को भेजेगा 7 दिन के अंदर। इसके अलावा पीरियोडिकल रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी कमिश्नर को हर महीने के ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक कि कौन सी टैक्स परचेज जो है ड्यूरिंग द मंथ की गई थी। इसके अलावा जो कैश यूज़ किया गया है उसकी डिनोमिनेशन क्या थी और सीरियल नंबर क्या था वो भी नोट डाउन किया जाएगा ऑथराइजेशन फॉर्म में, और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया है जैसा कि नेक्स्ट 1 में दिया गया है। ये है नेक्स्ट 1, यानी कि फॉर्मेट ऑफ टैक्स परचेज रिपोर्ट, जिसमें के पर्टिकुलर नोट किए जाएंगे ऑथराइजेशन नंबर एंड डेट क्या थी, ऑथराइज की डेजिग्नेशन के द्वारा किया गया था, डेट एंड टाइम स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जीएसटी नंबर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, ट्रेड नेम ऑफ द टैक्सेबल पर्सन विद कंप्लीट एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंटेलिजेंस विंग, ऑफिसर ऑथराइज्ड, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी, गुड्स परचेज्ड, यूनिट परचेज्ड, वैल्यू ऑफ गुड परचेज्ड, डिटेल ऑफ टैक्स इनवॉइस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ बिजनेस, टाइम एट विच गुड्स वर रिटर्न्ड बाय द ऑफिशियल, टाइम एट विच टैक्सेबल पर्सन रिफंडेड द बिल इनवॉइस अमाउंट, डिनोमिनेशन सीरियल नंबर ऑफ करेंसी रिफंडेड, डिटेल ऑफ वायलेशन नोटिस्ड, वेदर स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज, डिटेल ऑफ एक्शन
on the outcome of test purchase by the official and remark of joint commissioner extra, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों हर टेस्ट परचेज को एक सेंक्शन ऑर्डर नंबर दिया जाएगा और टेस्ट परचेज नंबर असाइन किया जाएगा, जैसे कि पहले गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया था। और जो सभी कम्युनिकेशन होंगे टेस्ट परचेज से रिलेटेड को ईमेल आईडी के द्वारा इन्फॉर्म किए जाएंगे टेस्ट टीम के द्वारा, ताकि इजीली इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा DRC 7 जो है वो इनेबल किया जाएगा बैक ऑफिस पोर्टल पे, ताकि जो ऑफिसर टेस्ट परचेज कर रहा है वो यदि डिमांड रेज करना चाहता है और पेनल्टी इम्पोज करना चाहता है तो उसके लिए ये फॉर्म जो है इशू किया जा सके टैक्स पेयर को। इसके अलावा GST पोर्टल पे भी जो पेनल्टी अमाउंट होगा उसके लिए सेपरेट हेड यानी कि टेस्ट परचेज जो है वो इनेबल किया जाएगा GST पोर्टल के साथ। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन जो दूसरी स्टेट है उनमें भी सेम प्रोविज़न अप्लाई होती है GST एक्ट की। तो इस प्रकार आपको जो है अवेयर रहना है कि आप अपने टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई प्रॉपरली इशू करें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।